गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, हम पढ़ रहे थे पाठ 8 दो बैलों की कथा जो मैंने आपको कल समझाई थी, और अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले आपको कठिन शब्द करने हैं, मैं आपको इस होमवर्क में दे चुकी हूँ। उसके बाद आपको शब्दार्थ करने हैं अपनी नोटबुक में। नाद, जानवरों के चारा खाने का स्थान, दुर्दशा, बुरी हालत, अपमान, बेइज्जती, प्रबंध, इंतजाम, प्रयत्न, कोशिश, नीलाम करना, बोली लगाकर बेचना, व्याकुल, बेचैन। इसके बाद में आपको उच्चारण करने के लिए दिए हुए हैं आश्चर्य, और आप सब मेरे पीछे पीछे उच्चारण करोगे। आश्चर्य, निश्चय, कचूमर, हड्डियाँ, व्यापारी। इसके बाद प्रश्न उत्तर, प्रश्न क, झूरी क्या काम करता था? तो आप उत्तर में लिखोगे बेटा, झूरी खेती बाड़ी का काम करता था। झूरी के बैलों का क्या नाम था? झूरी के बैलों का नाम हीरा और मोती था। प्रश्न क, झूरी की पत्नी के भाई ने बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर, झूरी की पत्नी का भाई बैलों को मारता पीटता व बुरा व्यवहार करता था। प्रश्न घ, नीलामी में बैलों को किसने खरीदा? उत्तर, नीलामी में बैलों को व्यापारी ने खरीदा। इसके बाद आप अभ्यास कार्य देखिए। प्रश्न क, सही खाली स्थान रिक्त स्थान भरिए। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। ग में रस्सियाँ, घ में लड़की, घ में मार और अपमान, ड में काजी हॉस। हीरा और मोती कौन थे? दो बैल थे। घीसू कौन था? झूरी की पत्नी का भाई। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोल बैलों को किसने खरीदा? बोल मतलब ऊंची बोली बोल करके बैलों को किसने खरीदा था? व्यापारी ने। हीरा और मोती को रास्ते में कौन मिला? सांड मिला। उसके बाद मुहावरों के आपको अर्थ मैंने लिखवाए हैं बेटा, वाक्य प्रयोग आप खुद करोगे। जल बुन जाना, कुड़ना, कुचुम्बर निकाल देना, दुर्दशा होना, माथा चूमना, अत्यधिक प्यार करना, हड्डियाँ निकल आना, कमजोर होना। वाक्य में प्रयोग आप खुद करोगे बेटा। फिर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, स्वतंत्र, आज़ाद, हिम्मत, साहस, दृष्टि, लोचन, प्रयास, कोशिश, डोरी, धागा, कठोर, सख्त। ये सारा काम आज होमवर्क में बेटा आप ये सारा काम करोगे कंप्लीट। उसके बाद में ये प्रश्न उत्तर फाइंड आउट करोगे अपनी किताब से, और PT1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे। थैंक यू।